हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अस्मा और आज मैं बहुत क्रूशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, एग्जाम प्रिपरेशन। हर टीनेजर की लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज एग्जाम्स ही होता है। सबसे ज़्यादा टेंशन, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस एक चाइल्ड तभी लेता है जब उसका एग्जाम हो, चाहे वो एक चाइल्ड हो या एक अडल्ट हो। एग्जाम तो हर किसी की वाट लगा देता है। तो मैं ये वीडियो क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़े टिप्स देना चाहती हूँ ताकि आपकी हार्ट बीट थोड़ी और नॉर्मल रह सके आप जब एग्जाम लिख रहे हैं और जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि एग्जाम कोई वॉर नहीं है, एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। तो रिलैक्स हो जाए, आप भी रिलैक्स हो जाए और दूसरों को भी रिलैक्स रहने दें। अगर आप एक पेरेंट हैं तो रिलैक्स हो जाए, अगर आप एक अडल्ट है तो रिलैक्स हो जाए, और अगर आप एक बच्चे हैं तो प्लीज रिलैक्स हो जाए। एग्जाम जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं है। इट इज नॉर्मल, इट इज अ वेरी बेसिक बट इम्पॉर्टेंट फेज इन लाइफ जो हर बच्चा गुजरता है। तो इसमें इतनी टेंशन की बात क्या है, क्यों हम इतने स्ट्रेस हो जाते हैं जब एग्जाम आता है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि हम सब रेस में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमें बस फर्स्ट आना है। मेरी दोस्त को 95 आया है, मुझे तो 96 लाना ही। अगर मैं 95 के ऊपर नहीं लाऊंगी तो वो जो शर्मा अंकल है वो तो मेरे डैडी मम्मी के कान भर भर के मेरे घर में मातम मचा देंगे। तो ये सब नेसेसरी है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं। तो रहने दीजिए, इतना स्ट्रेस मत लीजिए, लोगों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में मत सोचिए। आप बस इस बात पे ध्यान दें कि हाँ, ये एग्जाम है, इम्पॉर्टेंट है और मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है। लेकिन स्ट्रेस लेने से, भूखे रहने से, भूख हड़ताल करने से, गुस्सा करने से, टेंशन लेने से आप टॉप नहीं आएंगे, आप पास नहीं होंगे, आपको बस स्ट्रेस ही स्ट्रेस रहेगा। तो सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ एंड चिल। दूसरी बात एग्जाम कैसे प्रिपेयर करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जितना हो सके नोट्स बनाए। देखो, टेक्स्ट बुक इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। When your education system has provided you a textbook to learn from, it is very important to learn from that. But extract whatever is important and absorb it. Make your own textbook. Take a diary, whatever you like, or A4 sheets, whatever you prefer. Start noting down points. Points लिखना start करें। आपको जो समझ आता है उसके पॉइंट्स लिखें, उसको इलैबोरेट करें, अपनी इजी लैंग्वेज में लिखें, जो लैंग्वेज आपको समझ आती है उसमें आपके नोट्स बनाएं। ट्रस्ट मी, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर टेक्स्ट बुक सो मच बेटर। दूसरी चीज, स्टॉप टेकिंग सो मच स्ट्रेस ऑफ पीयर्स और योर सिबलिंग्स और योर पेरेंट्स और योर सेल्फ। आपका सिर्फ एक कॉम्पिटिशन है और वो आप खुद है। Stop comparing yourself to your friends, to your relatives, to your cousins, to your parents. ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है कि आप सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझें और एग्जाम में जाए और जितना भी आपने पढ़ा है जाकर उसकी उल्टी करें। बस इतना ही आपका स्ट्रेस होना चाहिए। इस दूसरी चीजों का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि कौन मेरे मुझसे ज्यादा स्कोर करेगा, कौन मुझसे ज्यादा अच्छे मार्क्स लाएगा, कौन मेरे पेरेंट्स को ज्यादा इंप्रेस करेगा, कौन मेरे टीचर्स को ज्यादा इंप्रेस करेगा, नहीं। तीसरी बात, सबसे 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 जरूरी बात यह है कि नॉर्मल लाइफ जिए। जब आपका एग्जाम पीरियड चल रहा है अपने आप को बंद मत करें। जो आप नॉर्मली जिस तरीके की आप लाइफ जीते हैं वैसा ही जिए। आपको आपकी नींद गंवाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू हैव स्लीपलेस नाइट्स, यू डोंट हैव टू मिस आउट ऑन मील्स, यू डोंट हैव टू स्टॉप टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, स्टॉप यूजिंग योर फोन, स्टॉप वॉचिंग मूवीज जस्ट टू स्कोर गुड मार्क्स। नो,
just live your life the way you should be living without compromising. Because when compromise आ जाता है ना life में, especially जब आपको exam के लिए पढ़ना है, जब वो compromise आ जाता है ना, तो तब आप अच्छा score नहीं कर सकते. क्योंकि आपके दिमाग में ये नहीं होता कि आपको अच्छा स्कोर करना है. आपके दिमाग में ये होता है कि अरे यार ये एग्जाम की वजह से मैं मूवी नहीं देख सकता, अरे यार ये एग्जाम की वजह से मैं पार्टी नहीं कर सकता, अरे यार मैं एग्जाम की वजह से ये नहीं खा सकता, वहां नहीं जा सकता. तो ये मत करें. एग्जाम है यार, इट्स अ फेज, चला जाएगा, थोड़े दिन रहेगा फिर चला जाएगा. इम्पॉर्टेंट फेज है, बहुत इम्पॉर्टेंट फेज है, आई डू नॉट डिनाई दैट. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ ही जीना छोड़ दें. इसीलिए प्लीज लिव अ नॉर्मल लाइफ. उसके साथ साथ सी टू इट दैट यू गिव अ लिटिल मोर एक्स्ट्रा टाइम टू योर स्टडीज. सो अगर आपका एग्जाम 1 month के बाद है, या समझो 10 days के बाद है, जो भी ड्यूरेशन में है, तो आप प्लान करें, स्टार्ट प्लानिंग के ओके ठीक है 3 hours आई एम गोइंग टू स्टडी इन द मॉर्निंग, एंड देन 3 hours आई एम गोइंग टू हैव फन, मे बी वॉच अ मूवी और वॉच नेटफ्लिक्स और गो आउट, रिलैक्स माई सेल्फ, whatever makes you happy यार, then come back, eat your food, relax for some time, sleep for an hour, then study for 3 hours. So everything is organization, everything is planning. If you plan well, I can write and give you, top करने का तो मुझे नहीं पता, but आप बहुत अच्छे marks के साथ pass हो सकते. So you have to understand that. अगर आपने ये 3 points को अपने दिमाग में रख लिए, पहला ये दैट एग्जाम है, मौत नहीं है, यू विल गेट थ्रू इट. दूसरा, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू योर पीयर्स, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू एनीबडी. यू आर योर ओनली कॉम्पिटिशन. यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू परफॉर्म बेटर देन वॉट यू डिड लास्ट टाइम, एंड यू हैव टू डू इट विद अ स्माइल. थर्ड, live your life the way you should with addition of extra hours of study. That's it. ये तीन ही फंडे हैं, ये तीन ही सीक्रेट वेपन्स हैं एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के. मैं तो टॉपर रही नहीं, कभी भी नहीं थी, लेकिन आई न्यू माई सब्जेक्ट, आई स्टिल नो माई सब्जेक्ट वेरी वेल. मैं रट्टा मार के तो नहीं पढ़ती, बट मुझे मेरा सब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी. इसीलिए आप भी समझे, start making notes, start writing your textbook in the way you understand it, understand your subject rather than gulping everything just to score 5 marks, 10 marks, 20 marks higher than your friend or whatever, and start loving what you're doing. Okay, so you will automatically enjoy your exam period and pass with flying colors. So I hope you enjoyed this video. Please give it a thought. इसके बारे में जरूर सोचिएगा. और अगर आपको मेरा कोई भी फंडा काम आ जाए, तो do comment in the comment section below. Love you guys. Bye. Share, like and subscribe. Don't forget.